बड़ी खबर इस वक्त की हम आप सभी दर्शकों को बता दें, जो उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है, जहां ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। दरअसल नाले में अटा गंदगी का पानी घरों में घुस गया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने बारिश व गंदगी के पानी से निजात पाने को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया। और यह पूरा मामला थाना हलदौर के निजामतपुरा इलाके का है, जहां ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया है, क्योंकि नाले में अटा गंदगी का पानी ग्रामीणों के घरों में घुस गया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने बारिश व गंदगी के पानी से निजात पाने को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया है। साथ ही आपको बता दें, इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए बिजनौर से हमारे सहयोगी मोहम्मद उस्मान जुड़े हुए हैं। उस्मान, जो तस्वीरें लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है, दर्शकों को बताएं। देखिए बिल्कुल नफीस, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। जनपद बिजनौर के जो है थाना हलदौर के गांव पड़ता है निजामतपुर इलाके का एक पूरा मामला है, जहां पर जो है बीती रात जो है तूफान के साथ में बारिश भी लगातार पड़ी थी, और बारिश की जो है आटे पानी गंदगी की जो है घरों गांव में घुस गया था, और जो गुस्से ग्रामीणों ने जो बारिश के गंदे पानी की निजात पाने के लिए जो जाम लगा दिया है, और पुलिस मौके पर वहां है, पुलिस जाम को खुलवाने में जुटी हुई है। जी उस्मान, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि ग्रामीण गुस्साए हुए हैं और सड़क पर जाम लगाया हुआ है, आपको लगता है कि इनके जाम लगाने से क्या इस गंदगी के पानी से निजात मिल जाएगी? देखिए अभी जो है ग्रामीणों ने जो है लगकर जो है ताबड़तोड़ जाम लगाया है, और पुलिस आला अधिकारी जो मौजूद है, पुलिस जो है आश्वासन दे रही है, अभी इसके बारे में जो पुलिस क्या एक्शन लेती है वो अभी देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान इन सब तमाम जानकारियों के लिए, और आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपके पास मिल लौटेंगे। तो ये बड़ी खबर है जो हम आप सभी दर्शकों को उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से बता रहे थे, जहां ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया है, क्योंकि नाले में अटा गंदगी का पानी घरों में घुस गया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने बारिश व गंदगी के पानी से निजात पाने को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया है। और एक बार फिर से आपको बता दें, पूरा मामला थाना हलदौर के निजामतपुरा इलाके का है,